का कंट्रोल वहां पे बैठे किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, उस व्यक्ति के खुद के हाथ में। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी एकदम से उत्तेजित होकर उस बैठक को बीच में ही छोड़कर चली गई। मुझे लगता है ये आचरण गलत है। रणनीति का ये हिस्सा था कि वो जाएंगी, हंगामा खड़ा करेंगी और नीति आयोग जिस मकसद के साथ हम लोग वहाँ पर बैठे थे उसके मकसद को डाइवर्ट कर सिर्फ अपनी ओर पूरा ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से। अनेक पद पर हैं और आपके पद की गंभीरता बढ़ती है जब आप विपक्ष के नेता की भूमिका में होते हैं, ऐसे में उसको गंभीरता से लेना ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि वो क्यों विधानसभा से गायब थे, पर कारण जो भी हो इसको भी उतना ही महत्व देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ तबजीत सिंह। कल दिल्ली में नीति आयोग की बैठक बुलाई गई थी जिसमें तमाम स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिरकत किए थे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं इस बैठक में नहीं शामिल हुए थे। और वहीं ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं वो इस नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए थे और उनका माइक बंद कर दिया गया, ऐसा उनका कहना है। और साफ तौर पर कहना है कि जब हम अपने बातों को रख रहे थे तो माइक बंद कर दिया गया है। तो वहीं बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्र में मंत्री चिराग पासवान से जब सवाल किया गया, क्योंकि वो भी नीति आयोग के मेंबर है, तो उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कह रहे हैं। और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बार मानसून सत्र में सदन से नहीं रहे हैं, उस पर भी क्या कुछ कर रहे हैं चिराग पासवान, पहले सुनिए उनकी बातों को। बैठक हुई, चिराग जी ममता बनर्जी बीच बैठक से निकल गई, कह रही थी माइक बंद कर दिया, बोलने का समय नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे आप भी उस मीटिंग? देखिए, उस बैठक में नीति आयोग की, उस बैठक में मैं भी मौजूद था और ये सरासर गलत इल्ज़ाम है कि किसी का माइक वहाँ पे बंद कर दिया गया। पहली बात तो जब ये विपक्ष बोलता है कि माइक बंद कर दें, उस माइक का कंट्रोल वहाँ पे बैठे किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, उस व्यक्ति के खुद के हाथ में होता है, ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना ऐसी किसी बैठकों में। ऐसी बैठक में माइक सामने लगा होता है, ऑन ऑफ का स्विच सामने ही होता है, तो ये बात बोलना सरासर झूठ है जब कोई ये बोलता है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया। हाँ, हर मुख्यमंत्री को, क्योंकि समय की बाध्यता थी, ओपन एंडेड अगर डिस्कशन को रखा जाता तो संभवतः हफ्तों तक ये बैठक ही चलती रहती, ऐसे में हर मुख्यमंत्री से ये विनम्रता पूर्वक आग्रह किया गया था कि अपनी बातों को संक्षेप में एक तय समय सीमा के भीतर रखा जाए। जब वो समय सीमा पूरी हुई, सिर्फ एक रिमाइंडर के तौर पर उनको ज़रूर, जैसे तमाम मुख्यमंत्री को दोबारा से नोटिफाई किया गया कि भाई आपका समय समाप्त हो रहा है इस तरीके से, बट उसके बाद जिस तरीके से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी एकदम से उत्तेजित होकर उस बैठक को बीच में ही छोड़कर चली गई, मुझे लगता है ये आचरण गलत है। अगर आपको अपनी बात को रखना भी है, कोई नाराज़गी भी है, तो वहीं पे रखती ना, बोलती कि अभी मुझे और बोलना है, मुझे और कहना है। हम सब वहाँ पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री जी स्वयं उनको सुनना चाहते थे, वित्त मंत्री जी स्वयं वहाँ पे मौजूद थी, वो भी चाहती थी कि भैया क्या बजट को लेकर वो अपनी बातों को रख रही हैं, बट जिस तरीके से उनका आचरण था इससे ऐसा लगता है कि विपक्ष की पहले से ही ये सोची समझी एक रणनीति का ये हिस्सा था कि वो जाएंगी, हंगामा खड़ा करेंगी और नीति आयोग जिस मकसद के साथ हम लोग वहाँ पर बैठे थे उसके मकसद को डाइवर्ट कर सिर्फ अपनी ओर पूरा ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से ये इस तरीके की कार्रवाई की गई है। कांग्रेस के साथ चार सीएम ने बैठक को अटेंड नहीं किया, कहा बॉयकॉट कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे साथ बाकी स्टेट के साथ नाइंसाफी हुई है जिस तरीके का बजट आया है। भाई, मेरी समझ के परे है, अगर आपको ऐसा लगता भी है, किसी भी राज्य को अगर ऐसा लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो यही वो उचित फोरम है ना। नीति आयोग की बैठक ही वो मंच है जहां पर जाकर आप प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी शिकायतों को आप रख सकते थे, इस मंच पर जाकर अपना एतराज आप दर्ज करा सकते थे, अपनी आपत्ति आप दर्ज करा सकते थे। और जो लोग ये बोलते हैं कि हम लोग के साथ भेदभाव हुआ, पहली बार देश में एक ऐसा बजट एक लंबे समय के बाद देखने को मिला जिसने पिछले 10 सालों में देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का लाभ
जनता को पहुंचाने का काम किया। इसमें जहां प्रमुखता से देश के गरीबों का जिक्र किया गया, अन्नदाता का जिक्र किया गया, नारी शक्ति का जिक्र किया गया, युवा शक्ति का इसमें जिक्र किया गया, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें प्रमुखता से उनको लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं की और राशि की घोषणा की गई। जो राज्य कहते हैं कि उनके साथ अनदेखी हुई, क्या उनके राज्य में गरीब नहीं है? क्या उनके राज्य में महिलाएं नहीं हैं? क्या उनके राज्य में किसान नहीं हैं? क्या उनके राज्य में गरीब वर्ग से आने वाले युवा हों, महिलाएं हों, किसान हों, क्या ये लोग नहीं हैं? तो सिर्फ राजनीतिक हंगामा करने के लिए उनमें दावे के साथ कहते हैं कि भाई ये लोग पिछले बजट भी निकाल कर दिखाएं कि किस किस राज्य को कितना कितना आवंटन किया गया है जब सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही थी, यूपीए की सरकार हो या उसके पहले की सरकार हो, कितने राज्यों का जिक्र किया गया। और मुझे ताज्जुब तो सबसे ज़्यादा राजद और कांग्रेस पर होता है। क्या राजद को खुशी नहीं होनी चाहिए कि भैया बिहार को एक बड़ी राशि आवंटित की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हो, यहाँ पर सड़क को लेकर हो, पुल के निर्माण को लेकर हो। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बाढ़, जिसका जिक्र हमेशा मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने किया, उस बाढ़ को लेकर लगभग 11,000 करोड़ की राशि अलग से आवंटित की जाती है, ऊर्जा को लेकर अलग से राशि आवंटित की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर राज्य में अलग से राशि आवंटित की जाती है। तो भैया अगर बिहार जैसा राज्य, जिसके लिए लंबे समय से हम लोग भी मांग करते थे भैया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जब तक नहीं मिलता है, ये मांग भी हम लोग की थी कि बिहार को एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। आज मैं धन्यवाद करूंगा माननीय वित्त मंत्री जी का, और विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि एक लंबे समय से जो बिहार और बिहारियों की मांग थी, उस मांग को सुना गया है, उस मांग को पूरा किया गया है। अगर इस पर भी अगर राजद और कांग्रेस को अगर एतराज़ है, तो ये वही लोग हैं जो कतई बिहार का विकास नहीं चाहते हैं। भैया मुझे नहीं पता, बट अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हर किसी को होना चाहिए। महत्वपूर्ण सत्र है और हर सत्र महत्वपूर्ण होता है, ऐसे में विपक्ष के नेता की भूमिका और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आप कोई साधारण विधायक नहीं ना हैं, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, और आपके पद की गंभीरता बढ़ती है जब आप विपक्ष के नेता की भूमिका में होते हैं। ऐसे में उसको गंभीरता से लेना ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि वो क्यों विधानसभा से गायब थे, पर कारण जो भी हो, इसको भी उतना ही महत्व देना चाहिए। एक सवाल है कि कांग्रेस की विधायिका है, खत्म कर दिया गया है, उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि रामगढ़ में बिहार के लोग मुखिया क्यों बनते हैं? डेमोग्राफी चेंज का सवाल है। क्या चीज? रामगढ़ में बिहार के लोग आकर मुखिया क्यों बनते हैं? बिहार वहाँ पे रामगढ़ में बिहार के लोग मुखिया क्यों बनते हैं आके? क्या मतलब? कांग्रेस की नेत्री है, उन्होंने झारखंड के सवाल किया कि झारखंड में आके क्यों आके बिहार के लोग आके मुखिया बनते हैं? देखिए, ये क्षेत्रवाद फैलाने का प्रयास विपक्ष के नेताओं के द्वारा से समय समय पर होता रहा है, कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी क्षेत्र के आधार पर। मुझे खुशी है इस बात की बिहारियों में इतना सामर्थ्य है, आप सबसे बड़े पदों से लेकर एक मजदूर की श्रेणी में भी आप देखिएगा तो देश के हर राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका बिहारी निभाते हैं। आप बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, वहाँ पर आपको बिहारी मिलेंगे। बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में आप चले जाइए, बड़े बड़े पदों पर, वहाँ पर आपको बिहारी मिलेंगे। कहने की ज़रूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर्स हमारे बिहार से आते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के पद पर विभिन्न राज्यों में, कल नीति आयोग की बैठक में हम मौजूद, वहाँ पर भी कई ऐसे बड़े अधिकारी जो विभिन्न राज्यों में बड़े पद पर हैं, उन्होंने भी आकर जब अपना परिचय दिया तो उन्होंने बताया कि वो भी बिहार से हैं। और वहीं एक ऐसा बड़ा तबका भी बिहारियों का है जो विभिन्न राज्यों में जाकर मजदूरी का काम करते हैं और उस राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करते हैं। ऐसे में मुझे गर्व होता है एक बिहारी होने के नाते कि बिहारी इतने सक्षम हैं जो आज देश के अलग अलग कोने में भी अपना झंडा बुलंदी से वो फहराने का काम कर।
पर जो लोग ऐसी टिप्पणी करते हैं वो लोग सिर्फ क्षेत्रवाद के आधार पर बांटने की साजिश करते हैं। मैं मानता हूं भारत सिर्फ भारतीयों का है और भारतीयों को ये संवैधानिक अधिकार है कि देश के किसी भी कोने में जाकर वो कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। चिराग पासवान किस तरह से तेजस्वी यादव पर बरसते हुए दिख रहे हैं और साफ तौर पर जो नीति आयोग की बैठक में जो ममता बनर्जी ने कहा है उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए वो सिर्फ मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर कोई भी माइक कोई भी सदन या हो या कहीं भी हो, माइक बंद करने का किसी के पास ऑथोरिटी नहीं होता है। तमाम खबर न्यूज़ के साथ, नमस्कार।